आज है 2 अक्टूबर और आज हम मनाते हैं गांधी जयंती, जिनका हमारे देश की आजादी में काफी योगदान रहा है। और एक ऐसा भी महापुरुष था जिसका जन्म आज ही के दिन हुआ था, जिन्होंने देश को आजादी के बाद बचाया था और हमने बस उन्हें मिटा ही दिया अपने यादों से, अपने देश। 1965 इंडिया पाकिस्तान के वार की जीतने की वजह थे वो, किसी ऐसे वैसे आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर समझ गए तो बहुत अच्छे। बात कर रहा हूँ हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। इनके पिताजी का नाम था शरद प्रसाद श्रीवास्तव, और टाइटल पर ध्यान दें तो वह श्रीवास्तव ऊंची जाति के थे, पर कभी अपने टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया। कहा करते थे अगर देश के किसी भी आदमी को जात पात और छुआछूत से पीड़ित होना पड़े तो देश को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। शास्त्री टाइटल तो इन्हें बनारस के विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने पर मिला। हम लोग अपने या अपने परिवार वालों का मनाते हैं ना बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गाते हैं खुशी से, पर ऐसे महान इंसान के जन्मदिन पर इन्हें याद भी नहीं किया जाता। जानना चाहते हैं इनका बचपन कैसे बीता, कैसे इन्होंने अपने देश की किस हद तक सेवा करी, और उससे भी मिस्टीरियस आखिर इनका डेथ कैसे हुआ, बिल्कुल जानना चाहते हो। अब बस बैठ जाओ आप। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नजर भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। डेढ़ साल के थे शास्त्री जी जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके फैमिली की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरी हो गई। एक बार की बात है, उनकी माँ ने उन्हें पैसे दिए बाल कटवाने के लिए। गए और नाई से पूछा कि कितने पैसे लेते हैं, नाई ने कहा 3 पैसे। उन्होंने सोचा 3 पैसे कटवाऊंगा तो अगले महीने फिर बढ़ जाएंगे और फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तभी उनको आइडिया आया और वापस टकले होकर आए, ये सोचते कि अब 3 महीने के पैसे बच जाएंगे। एक और बड़े ही खास बचपन की कहानी है इनकी। पैसों की बड़ी ही कमी थी और स्कूल था गंगा के उस पार। नाव वाला अकेला लेकर तो जाएगा नहीं, जाएगा भी तो पैसे ज्यादा लेगा। नाव वाले ने कहा मैं उस पार ही जा रहा हूँ, चल बच्चा है छोड़ दूंगा, मुंह पर मना कर दिया। उनके साथ वाले हंस रहे थे, अब क्या तैर कर जाएगा उस पार। उनके साथ ही हंसते ही रह गए। ये एक हाथ में किताब सिर पर संभाला और तैर कर नदी के उस पार चले जाते थे। भाई साहब, जिंदगी में कभी भी किसी का फेवर नहीं लिया इन्होंने। एक बार तो शास्त्री जी ने ट्रेन से कूलर ही निकलवा दिया था। ये बात है जब शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, उन्हें एक बार मुंबई जाना पड़ा और उनके लिए फर्स्ट क्लास बोगी तैयार की गई थी। जब गाड़ी चली उन्हें हल्की ठंड लगी जबकि बाहर लू चल रही थी। ये देख कर शास्त्री जी बोले बाहर तो गर्मी है और अंदर ठंड कैसे। उनके पर्सनल असिस्टेंट जिनका नाम कैलाश बाबू था, उन्होंने कहा आपकी सुविधा है तो बोगी में कूलर लगवाए गए हैं। अच्छा कूलर लगवाया गया है, वो भी बिना मुझे बताए। क्या और लोगों को गर्मी नहीं लगती होगी, लोगों का सेवक होने के नाते से मुझे भी थर्ड क्लास में जाना चाहिए, कैलाश बाबू ने कहा। अभी समय ठीक नहीं है, अभी आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, शास्त्री जी ने बात काटते हुए कहा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए, शास्त्री जी ने कहा। अगली जिस भी स्टेशन पर ये गाड़ी रुकेगी सबसे पहले मेरी इस बोगी से कूलर को निकाला जाए। मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और रुकते ही सबसे पहले कूलर को निकलवाया गया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। डॉरी, दहेज प्रथा के सख्त विरोधी थे। 1928 में जब इनकी शादी हुई ललिता देवी के साथ, पर उस वक्त दहेज लेना ही पड़ता था और इनके तो साफ वचन थे, पर आखिर में कंटिन्यूस प्रेशर परिवार वालों से पढ़ने पर इन्होंने लास्ट में एक चरखा और कुछ खादी एक्सेप्ट करी। और आजकल के लोग तो सरकारी नौकरी में जाना ही इसलिए चाहते हैं कि दहेज ज्यादा मिले। साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, उसी वक्त इनको 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होने की वजह से 7 साल दोबारा से जेल हो जाती है। इन्हें 1946 तक जेल में रहना पड़ा था। बदसलूकी इतनी हुई है इनके साथ कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। सिंपली अगर बोलने की कोशिश करूं तो जब कोई इम्पैक्टफुल मूवमेंट होती थी तो उस मूवमेंट की वजह से किसी ना किसी को जेल जाना ही पड़ता था, मेन लोगों को बचाने के लिए। तो ये वो थे
सारा इल्जाम खुद के सर लगाकर जेल चले जाया करते थे। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया। और एक फैक्ट की बात जानो, तब हार्मफुल रैली या दंगों को हटाने के लिए लाठी चार्ज किया जाता था, अब भी किया जाता है। और ये पहले मिनिस्टर हुए जिन्होंने वैसे भीड़ को हटाने के लिए तेज पानी के फव्वारे वाटर जेट्स इस्तेमाल किए थे। अब 1951 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के लिए इन्हें चुना जाता है। फिर अगले साल इनकी काबिलियत और ईमानदारी की वजह से इनको रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्टेशन में कंडक्टर का काम पॉसिबल किया था। अब 1961 में लाल बहादुर शास्त्री जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं। फिर 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गुजर जाने के बाद इन्हें हमारे देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और ये बात भी उन्हीं अच्छी चीजों की लिस्ट में आता है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। उस वक्त देश को शास्त्री जी की उतनी ही जरूरत थी जितनी कि हमें आज पीने को पानी की होती है। और थैंकफुली वही हुआ। मैं बताता हूँ कि उस वक्त देश भयंकर फूड स्टोरेज, सूखे, ड्राउट और गरीबी से गुजर रहा था। और साथ साथ इंडिया पाकिस्तान वार भी चल रही थी। यूनेस्को वाले अमेरिका ने धमकी दे दी, वार बंद करो वरना हम खाना नहीं देंगे। और ये धमकी सिर्फ हमारे लिए ही थी, पाकिस्तान मानो कश्मीर ले ही चुका था। उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत साथ दिया, पूरे 700 मिलियन डॉलर वार एड के नाम पर दिए गए थे। और उस वक्त की हमारी सिचुएशन तो आपको पता ही। तभी हमारे शास्त्री जी ने इस आपातकाल स्थिति से निकलने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो बिल्कुल नामी है, प्रसिद्ध, सब लोग जानते हैं। पहले इन्होंने खुद के घर में अपनाया, पूरे एक हफ्ते तक सिर्फ दिन का चूल्हा जलेगा और शाम का नहीं। हम लोग रात को नहीं खाएंगे पर बच्चों को रात में एक केला और दूध मिलेगा। परिवार वालों ने अपनाया और अगले हफ्ते शास्त्री जी ने देखा कि सब तो ठीक है। शास्त्री जी फटाफट रेडियो स्टेशन जाते हैं और अपने देश की सिचुएशन बताते हुए कहा, इस वक्त हमारे देश में हर मुमकिन समस्या पड़ी है और इस वक्त हमारे देश को अपने देशवासियों की जरूरत है। बताया उन्होंने सबको कैसे उन्होंने एक हफ्ते अपने घर में व्रत रखा और कहा, मैं चाहता हूं हम पूरे देश में 15 दिन के लिए ये व्रत रखें ताकि हम इस आपातकाल स्थिति से बाहर आ पाए। वो माय भगवान, क्या गजब के इंसान थे। पूरे देश को यूनाइट कर लिया पर पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। जिस तरह से इन्होंने इंडियन आर्मी के हौसले बढ़ाए, जय जवान जय किसान के नारे जो जोश देता है हर भारतीयों के, वो नेक्स्ट लेवल पर है, आर्मी भी और साथ में किसान भी। तब हमारी देश की सेना इस नारे को लगाते हुए हाजीपी और टेथवाल को कवर कर लिया था। और किसानों की वजह से हम आपातकाल स्थिति से बाहर निकल गए थे। बड़े अद्भुत प्रधानमंत्री हुए। हर सदी में एक इंसान का जन्म होता है जिसके ऐसा फिर कोई नहीं आता। वो ये थे ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इनकी वजह से देश में आई। इन्होंने FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करी, जिसकी वजह से आज घर घर में अनाज की परेशानी तब के मुकाबले खत्म हो गई है। अगर आप बात करें इनकी डेथ की, तो वो मैं किसी के भी मुंह पर कह सकता हूँ कि इनका मर्डर हुआ था। किसने किया पता नहीं, मुझे तो साफ अंदाजा है, पर मैं ओपनली बिना किसी क्रिटिकल प्रूफ के ब्लेम तो लगा नहीं सकता ना, क्योंकि जो मेन एविडेंस थे उसे तो जला दिए गए। जब रसिया के ताशकंद में भारत पाकिस्तान समझौते हुए, तो उसी रात होटल के कमरे में अचानक दम तोड़। उस वक्त उनके साथ ताशकंद में जो प्रेस एडवाइजर कुलदीप नैयर ने अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द लाइंस किताब में लिखा है कि ताशकंद के लौटने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने मुझसे पूछा कि शास्त्री का शरीर नीला क्यों था। मैंने कहा कि मुझे बताया गया था कि अगर शरीर पर लेप किया जाता है कि बॉडी जल्दी डिकम्पोज ना हो तो वो नीला पड़ जाता है। उसके बाद उन्होंने शास्त्री जी के शरीर पर कुछ कटे हुए निशान के बारे में पूछा। मैंने कहा कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने तो उनका शरीर ही नहीं देखा था। फिर भी उनकी इस टिप्पणी ने मुझे चौंका दिया था कि ताशकंद या दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया। देखिए, ताशकंद में रसिया ने इंडिया के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान को समझौते के लिए बुलाया गया। वहाँ पाकिस्तान समझौते में कश्मीर पर जोर डाला जा रहा था, लेकिन शास्त्री जी तस से मस नहीं हुए। पर वहाँ पर एक बात थी जो शास्त्री जी को अंदर से ही खाए जा रही थी। वो ये थी कि समझौते के मुताबिक इंडियन आर्मी को हाजीपी और तथवाल से हटना पड़ेगा, मतलब युद्ध में जो
जो हमने जीता था वो हमारे पास नहीं रहता। वो बस यही सोच रहे थे इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहादुर जी, कुछ असर नहीं पड़ेगा, आप बस वापस आ जाओ। ताशकंद में बात ले देकर खराब हो जा रही थी, मगर आखिरकार 10 जनवरी 1966 को हमारे लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 9 एग्रीमेंट पर साइन हुई। इसमें ये कहा गया कि 25 फरवरी तक दोनों देश के आर्मी लौट जाएं। ये पाकिस्तान की नजरों में अच्छा नहीं हुआ था, ऐसा न्यूज वाले कहते हैं। इस समझौते के बाद ताशकंद में एक पार्टी रखी गई। पार्टी में शामिल होने के बाद रात को करीब 10 बजे शास्त्री जी अपने होटल के कमरे में आ गए, क्योंकि अगले दिन सुबह 7 बजे उनके काबुल के लिए फ्लाइट थी। पर हमारे भोले शास्त्री जी के लिए वो सुबह कभी नहीं आया। पार्टी में थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से शास्त्री जी को भूख नहीं लगी थी, इसलिए उन्होंने हल्के आलू पालक के साथ डिनर किया। रात को 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन लगाया और अपनी बेटी कुसुम से बात करी। उन्होंने कुसुम जी से पूछा, तुम्हें कैसा लगा? कुसुम जी ने कहा, हमें अच्छा नहीं लगा। शास्त्री जी ने ललिता जी के बारे में पूछा कि उन्हें कैसा लगा। कुसुम जी ने बताया कि उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, फोन ललिता को दें, मगर वो बार बार कहने पर भी फोन पर नहीं है। इसके बाद शास्त्री जी ने घर वालों से कहा कि वो भारतीय अखबार काबुल भिजवा दें, जहां उन्हें अगले दिन पहुंचना था। इससे एक बात तो साफ था कि शास्त्री जी समझौते को लेकर बड़े परेशान थे। उनके निजी सेवक रामनाथ ने बताया था कि वो अपने कमरे में ही इधर उधर टहलने लगे। शास्त्री जी को एक बार 1964 में एक माइनर अटैक आया था, इसलिए चांसेस तो है। मगर उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि रामनाथ जी ने उस ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक थर्मस से दूध निकालकर उन्हें दिया था, जो वो अक्सर सोने से पहले लिया करते थे। और दूध पीने के बाद शास्त्री जी रामनाथ जी को सोने जाने को कहते हैं। रात को करीब 1:20 पर शास्त्री जी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। डॉक्टर्स को बुलाया गया, मगर शास्त्री जी जा चुके थे। और आखिरी बार जिस थर्मस से उन्होंने दूध पिया था, उस थर्मस की ओर इशारा कर रहे थे और वो थर्मस गिरा हुआ था। यही नहीं, जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो ईजी यारामिंको वो पहली डॉक्टर थी जो उस रूम में आई थी, और इंडिया को जो मेडिकल रिपोर्ट दिए गए उन पर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, बल्कि जो मेडिकल रिपोर्ट सोवियत गवर्नमेंट को दिए गए थे उस पर उनके साइन थे। वो सीनियर डॉक्टर ईजी यारामिंको से जब पूछा गया कि आप उन्हें क्यों नहीं रिवाइव कर पाए, आखिर क्या परेशानी हुई थी, तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी, ध्यान से सुनिएगा। That will be only possible if death was due to heart failure. मतलब उनको ठीक करना पॉसिबल कहीं ना कहीं हो सकता था अगर उनको हार्ट अटैक आया होता, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो वो दो मेडिकल रिपोर्ट थे उसमें से एक पर जो इंडिया को दिए गए उसमें 6 डॉक्टरों के सिग्नेचर थे, और रशियन सोवियत वाले रिपोर्ट पर 8 डॉक्टर के सिग्नेचर थे। पब्लिकली ये बातें KR मलकानी पोंडुचेरी के गवर्नर के बुक में मेंशनड है, पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 16 दिसंबर 1966 में इस पर एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग हुई, उसमें फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह जी ने जो बयान दिया था उसे मेडिकल रिपोर्ट थी, लेकिन जब उस प्रोसीडिंग की जो प्रिंटेड कॉपी निकली तो उसमें वो मेडिकल रिपोर्ट गायब थी। शास्त्री जी ने अपने बेटे सुनील शास्त्री से भी बात करी थी, और उन्होंने बताया उनके ताशकंद में एग्रीमेंट साइन करने की वजह से देश के लोग नाराज थे। फिर भी सुनील शास्त्री जी से कहा, मुझे देश की धरती पर पैर रखने तो दो, जब मैं वहां लोगों से खुलकर दिल की बात उन सब से कहूंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। शास्त्री जी हम जरूर होते। उन्होंने ये जताया कि कुछ तो सीक्रेट था जो शास्त्री जी बताना चाहते थे, और ये पॉइंट कनेक्ट करता है सुभाष चंद्र बोस जी से। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि नेताजी बोस और शास्त्री जी के साथ उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई थी। और क्या आपको पता है, डॉक्टर होमी जे बाबा, जिनको शास्त्री जी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का चार्ज दिया था, उनका प्लेन एल्स क्रैश हो जाता है ठीक उनके गुजरने के 13 दिन बाद। CIA के बहुत बड़े ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने एक इंटरव्यू में कहा, जॉर्ज डगलस ने अपने किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रू में मेंशन किया कि जब डगलस ने क्रॉली से पूछा कि वो जोकर कौन है, हु इज द जोकर, तो क्रॉली ने कहा, नॉट जोकर इज, जोकर वाज एंड हिज नेम वाज बाबा। हुआ ये था कि प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में एक ब्लास्ट होता है और प्लेन के क्रू, बाबा, प्लेन सब गए, और क्रॉली के एग्जैक्ट कमेंट हैं, नो रियल एविडेंस एंड द वर्ल्ड वाज मोर सेफर। फिर डगलस ने पूछा, अगर उनको मारना ही था तो ऐसे कहीं मार सकते थे, कार में बम ब्लास्ट कर सकते थे, गोली मार सकते थे, बहुत भी चीज कर सकते थे,
पर प्लेन को ही क्यों उड़ाया गया? तो इस बात पर क्रॉली ने कहा कि उस गाय की पूजा करने वाला टोपी पहनने वाला फूल लीडर विच वॉज नियरर टू द न्यूक्लियर बॉम्ब इस बाबा की मदद से, तो हमें उसे उड़ाना बहुत जरूरी हो गया था। उनकी जो एग्जैक्ट लाइन है ये सुनिए, वी नॉक्ड ऑफ बाबा एंड नेल्ड शास्त्री। आपको अभी जो मैंने एक रामनाथ जी के बारे में बताया था, उनके हेल्पर डॉक्टर होमी जे बाबा के बाद उनका दो बार एक्सीडेंट होता है। पहली बार में तो वो बच गए, पर दूसरी बार में अपहज हो गए और फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री जी के केस में दो मेन विटनेस थे, एक तो रामनाथ जी और दूसरे डॉक्टर चुंग, उनके पर्सनल डॉक्टर, जिनकी भी कार एक्सीडेंट से कोइंसिडेंटली डेथ हो जाती है। इन फैक्ट्स के मुताबिक मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि उनकी जो डेथ हुई वो हार्ट अटैक से तो नहीं हुई थी। इस पर एक मूवी भी बनी है, द ताशकंद फाइल्स। मेरी लॉजिक से हुआ ये था कि जब हमारा देश आजाद हो गया तब वो सारे कंपनी जिन्हें हमारे देश में बिजनेस करना था, वो सारे MNCs ने अपने गवर्नमेंट को फोर्स किया, तो वो सारे कंट्री के गवर्नमेंट ने CIA और KVG को पुश किया, क्योंकि उस वक्त ये ही दो मेन स्पाइस के मुख्य संगठन थे। एक तरह से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे थे, पर उस वक्त हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे महात्मा गांधी जी के पक्के फॉलोअर, 16 साल की उम्र में इन्होंने उनके आंदोलन में शामिल होना शुरू कर दिया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शास्त्री जी का भी वही मोटिव था कि हम अपने देश में बाहर की कंपनीज नहीं आने देंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनीज आई थी, उस वक्त शास्त्री जी ने पाकिस्तान को ऐसे हालात में भी हरा दिया था जिस वजह से उन्हें तख्त पर से 4-5 डेकेड तक कोई नहीं हटा पाता। उनके ऐसे कैरेक्टर, ईमानदारी, प्रभावशाली, उन्होंने ऐसे जो काम किए उसकी वजह से वो अगले 30-40 साल तक प्रधानमंत्री तो रहते ही, जिस वजह से अपोजिशन वालों को खुन्नस थी। तो देखिए, अभी मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बोलने वाला, पर आपके सामने अभी कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूँ जिसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मित्रोकेन आर्काइव नाम के एक बहुत ही मशहूर जासूस थे, वो KGB के डायरेक्टर भी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब द मित्रोकेन आर्काइव 2 द KGB इन द वर्ल्ड में लिखा है, सब कुछ लिखा है, मतलब दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग अलग कर दिया है। लिसन केयरफुल, USSR टूटने के बाद मित्रोकेन ने 25,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया। फिर ब्रिटेन और इटली में मित्रोकेन कमीशन बैठाया गया, जिसके बाद जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन थे, लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले। और उस बुक के 17वें चैप्टर द स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया में लिखा है, फॉर्मर KGB जनरल कलियुगिन ने कहा था, इट सीम्स Like entire country was for sale. Entire country was for sale. समझ रहे हो? There was something शास्त्री जी don't wanted. जब शास्त्री जी को इंडिया लाया गया तो उनके फैमिली वालों के बयान है कि उनके शरीर पर कट्स थे। अपने ही परिवार वाले झूठ नहीं बोलते। और फैक्ट्स के रूप में जान लो कि उस वक्त KGB के ये एक पॉपुलर कारनामे थे कि किसी को भी जहर से मारने के बाद वो उनके बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लेते थे ताकि पॉइजन को ट्रेस ना किया जा सके। उस किताब में सब मेंशन है। पूरी दुनिया भर में से इंडिया में ही सबसे ज्यादा KGB के स्पाइस थे, कुछ 21 पॉलिटिकल लीडर और 4 इंडियन मिनिस्टर। उस बुक में साफ सब कुछ मेंशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, फ्री में डाउनलोड करके वो मित्रोकेन वाली किताब जरूर पढ़ लेना। लिखा है, मैं हिंदी में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, एक टॉप लीडर कोड नेम वानो, जिनको KGB सूटकेस बार बार कभी 2 मिलियन $1 मिलियन उस वक्त में दे दिया करते थे, मतलब आज का 20 से 25 मिलियन डॉलर। यही नहीं, उस वक्त 10 से ज्यादा न्यूज़पेपर वाले KGB के पैसों पर चलते थे। वो कोड नेम वानो वाला शख्स हर बार उस सूटकेस को आगे इंदिरा गांधी को देता था, हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री को। मतलब सीधे तौर पर अगर कहूँ तो उस वक्त के बेवकूफ अपोजिशन वालों की वजह से इंडिया को KGB चला रही थी। पर अगर शास्त्री जी होते तो क्या ये पॉसिबल होता? और ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि मिसेस गांधी के पॉलिटिकल एनिमीज को बदनाम किया जा सके और पब्लिक ओपिनियन को लेफ्ट विंग की तरफ मोड़ा जा सके। KGB ने साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी पैसे देती थी टू सपोर्ट मिसेस गांधी सोशल पॉलिसीज इंक्लूडिंग बैंक नेशनलिज्म, और ये चीज आगे जाके KGB को फायदे देती है और हमारे देश को बर्बादी। ये एक अलग ही चैप्टर है, इस पर हम कभी और डिस्कस करेंगे। देख भाई, एट द एंड जो भी हमारे समाज में अभी चल रहा है, जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, जो भी समाज में हो रहा है, कुछ भी जो तुम्हें न्यूज ऑन TV या न्यूज पेपर पर पढ़ने के लिए मिलता है, सब पॉलिटिक्स है,
सब षड्यंत्र है जो भी इंडिया और भारत के नाम पर चल रहा है, जो पीछे राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर चल रहा था, सब हमें जाना सीधा है, पर इन पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से कभी हम यहाँ आ जाते हैं, कभी कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को ढक ले आया, इस मुद्दे को उठा के ले आया, इस तरह कर करके हम जाना तो इधर है पर जा ऐसे रहे, समझ रहे हो। 1980 से ऐसा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि एक जेन्युइन मुद्दा उठा के सामने आया। ऐसे ऐसे मुद्दे सामने लाते हैं जिस पर सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे गरीब और पक्के ईमानदार लोग कभी ध्यान नहीं देते, ताकि पब्लिक की इमोशंस के साथ खेला ना जाए। बुरे लोगों की एक सबसे बुरी स्ट्रेटेजी होती है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। स्टेप वन, अगर किसी भले चीज को हटा सकते हो तो हटा दो, अगर नहीं हटा सकते तो स्टेप टू, उसे अपने सामने रख के बुरा काम पीछे से करो। पॉलिटिक्स, जी हाँ पॉलिटिक्स। मैं पर्सनली आपको ये राम मंदिर वाला वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखना। इसमें राम मंदिर और मस्जिद के रिलेटेड जो पॉलिटिक्स थी, जो कांड हुए, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरी ईमानदारी से सब फैक्ट्स सामने रखा है। तो मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो में। जय श्री राम। लेकिन हम असलियत की ओर से भी आंखें बंद नहीं कर सकते। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर राज्य पर, जो भारत का अटूट हिस्सा है, या हमारे किसी और इलाके पर फिर से हमला करता है, तो हम उसका पूरी ताकत और मजबूती से मुकाबला करेंगे। इस बारे में कोई संदेह और शक नहीं रहना चाहिए। ये हमारी पक्की नीति है और इस पर दृढ़ता मजबूती के साथ अमल किया जाएगा।